आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मैजिक रेसिपी एंड ब्लॉग्स में। आज मैं आपके लिए खास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बिल्कुल बिस्किट की तरह सॉफ्ट बनने वाले हैं। इसको मीठे शक्करपारे भी बोलते हैं। और अभी त्योहारों का मौसम चल रहा है, जैसे करवा चौथ है और दिवाली आने वाली है, तो हमारे त्योहारों में खास्ता ना बने ऐसा नहीं होता है। खास्ता तो जरूर ही बनता है, और इसको कैसे सॉफ्ट बिल्कुल बिस्किट की तरह बनाए यही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने मीठे शक्करपारे बनाने के लिए मैदा लिया है, तो आज मैं मैदा से बना रही हूँ, और मैदा से बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया है 1 kg मैदा है, उसमें मैंने 100 ग्राम रिफाइन ऑयल डाला है, और डाल के अच्छे से इसका मोइन कर लिया है। तो जितने अच्छे से हम मोइन डालते हैं हमारा खास्ता क्रिस्पी बनता है। और यहाँ देखिए मैंने चीनी मेल्ट कर ली है, तो चीनी मैंने 400 ग्राम ली थी 1 kg मैदा के लिए, और चीनी मेल्ट हो चुकी है। तो इसे डालते हुए और इसका डो तैयार करेंगे। इसमें मैंने 1 चम्मच इलायची पाउडर भी डाला है, और अब चीनी का पानी डालते हुए हम इसका डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ बहुत ज्यादा सॉफ्ट डो नहीं लगाना है और न ही ज्यादा हार्ड डो लगाना है, तो मीडियम डो हमें तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम अच्छे से मल के अपना डो तैयार करेंगे। और आज हम मैदा से बना रहे हैं, तो मैदा से क्या होता है कि हमारे शक्करपारे बहुत ही क्रिस्पी सॉफ्ट बनते हैं, तो कोई बहुत झंझट नहीं होती है। तो यहाँ देखिए आटा मैंने अच्छे से मलकर रेडी कर लिया है, तो इसे बस 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। 5 मिनट बाद इससे हम बना लेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, और अब एक बड़ा गोला मैंने उसमें से ले लिया है आटे में से, और इस तरीके से इसे बोर्ड पे फैला लेंगे। तो जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका जो खास बिल्कुल बिस्किट की तरह क्रिस्पी बनेगा, और इस तरीके से कोई झंझट भी नहीं है। हलवाई लोग इसी तरीके से बनाते हैं, जिससे कि उनका खास्ता बिल्कुल क्रिस्पी बनता है। तो इस तरीके से पतली पतली पट्टियां कट करके और जल्दी जल्दी से हम अपना खास्ता बना लेंगे। बस हाथों से थोड़ा सा शेप इसे देना होता है, क्योंकि चाकू से कट करने के बाद थोड़ा सा चिपटा हो जाता है। आप चाहे तो लंबा गोल जिस तरीके से डिजाइन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, सांचे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं बिना सांचे के भी डिजाइन बनाने आपको बताऊंगी। तो यहाँ थोड़े से हमारे तैयार हो गए हैं, तो अब इसे हम तल लेते हैं। और तलने में इस बात का ध्यान रखना है कि आज को हम बहुत ज्यादा तेज नहीं करेंगे। यदि ज्यादा तेल गर्म हुआ तो खास्ता ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसको तलना है, और उलटते पलटते हुए इसे हम अच्छा सा कलर आने तक और अच्छे से पक जाने तक पकाएंगे। बस यहाँ देखिए कितना बढ़िया सा कलर हमारे खास्ते में आ गया है, और ये बहुत ही क्रिस्पी तल चुका है। तो इसे निकाल लेते हैं, और अब मैं बताती हूँ कि बिना सांचे के भी हम कैसे डिजाइन बना लेते हैं। तो जो ये हमारी छलनी होती है, एक गोली तोड़ के और इसी पे दबाते जाएंगे, तो ये देखिए कितना बढ़िया सा डिजाइन बनता जा रहा है। तो इसी तरीके से डिजाइन बना बना के मैंने इसमें डाल लिया है। तो थोड़े से डिजाइन वाले मीठे शक्करपारे भी बनकर रेडी हो गए हैं। थोड़े से लंबे मैंने बनाए हैं काजू के शेप में, तो कितने अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी बने हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने त्योहारों में बनाइए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरे खास्ता की रेसिपी आपको कैसी लगी, और आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। मेरे यहाँ तो खास्ता या मीठा शक्करपारा बोलते हैं, और देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है, बिल्कुल आसानी से टूट जा रहा है बिस्किट की तरह ही, स्वाद में भी बहुत ही बढ़िया बना है। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।